बैक टू माय चैनल। और बताइए दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड आज की वीडियो में लेके आई हूँ हेयर कर्लिंग पे वीडियो है, और इस पे ना ही हम कोई कर्लर का यूज़ करेंगे, ना ही रोलर का यूज़ करेंगे और ना ही किसी जेल का यूज़ करेंगे। तो इस पेंसिल की हेल्प से फ्रेंड्स मैं अपने पूरे बाल कर्ल करके आपको दिखाऊंगी। तो इस पेंसिल से फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कॉमेंट तो काफ़ी सारे आते बट आप लोग लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक भी करा करिए वीडियो को। और तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस पेंसिल की हेल्प को लेनी है फ्रेंड्स, और इसके बाद में आप अपने बालों को टू सेक्शन में बीच की मांग निकाल के भी डिवाइड कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही डिवाइड कर रही हूँ। और बालों का छोटा छोटा सा सेक्शन लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए बालों का इतना छोटा छोटा सा सेक्शन लेंगे, और इस तरह से बालों का छोटा छोटा सेक्शन लेने के बाद में इतने और ये बाकी के जितने भी बाल हैं इनमें लगा देंगे क्लेचर। क्लेचर इसलिए लगा रही हूँ फ्रेंड्स ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो, और आपको जहाँ से हेयर कल करना आप वहाँ से हेयर कल करिएगा। तो देखिए इस तरह से पेंसिल में मैं अपने सारे बालों को टाई कर दे रही हूँ। देखिए इस तरह से सारे बालों में बालों को इसमें लपेट दूंगी, पूरा एंड तक करूँगी फ्रेंड्स। और सेम ऐसे ही मैं ऊपर से भी बालों को लपेटूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बालों को मैंने लपेट लिया है। देखिए मैंने स्ट्रेटनर को ऑलरेडी पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए इस तरह से हम अपने बालों को धीरे धीरे से कर्ल करेंगे। तो स्ट्रेटनर से अपने बालों को धीरे धीरे से इस तरह से बालों में प्रेस करेंगे तो हमारे बाल अच्छे से कर्ल हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये जो स्ट्रेटनर मेरा नोवा का है, और बहुत ही जल्दी इससे कर्ल होते, काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल है, आप इसे मंगा भी सकते हैं, और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है स्ट्रेटनर है मेरा। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और बाल हमारे कर्ल हो जाएंगे काफ़ी अच्छे से। और आप देखिएगा कि मेरा एंड में कैसा लुक लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारा लुक आएगा ये बालों का। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे से आप करते जाएंगे फ्रेंड्स। बस देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम आपको ऐसे ही करना है, और हमारे जो हेयर हैं बहुत अच्छे से कर्ल हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही प्रेस करते रहना है, और जो हमारा स्ट्रेटनर है वो काफ़ी अच्छे से हीट होना चाहिए तभी हमारे हेयर अच्छे से कर्ल होंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सो फ्रेंड्स ये देखिए बाल मेरे अच्छे से हो चुके। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पेंसिल से कितना अच्छा सा बाल मेरा कर्ल हुआ है। तो वाओ कितना प्रिटी लग रहा है फ्रेंड्स। अब ऐसा ही आप देखिएगा कि आगे मेरे बाल कितने ज़्यादा सुंदर से कर्ल होंगे। तो इसी तरह से बालों का छोटा छोटा सा सेक्शन लेते जाएंगे और सारे बालों को कर्ल करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ स्किन तक बनी रहिएगा और देखिएगा कैसा लग रहा है मेरा लुक। तो फ्रेंड देखिए कितना प्रिटी है ये कर्ल। तो आप देखते हैं मशीन एक छोटी सी पेंसिल कितना अच्छा कर्ल कर रही है फ्रेंड्स। बालों को पेंसिल में लपेटते जाएंगे जैसे मैं लपेट रही हूँ, और हमारे जो हेयर हैं अच्छे से कर्ल हो जाएंगे। तो अपने अपने बालों को जैसे कि देखिए मेरा बार बार हो रहा है, तो एंड में आप अपने बाल जरूर पकड़िएगा। अगर आप एंड में अपने बाल नहीं पकड़ेंगे तो बार बार जैसे मेरे बाल छूट रहे हैं वैसे आपके भी छूट जाएंगे, तो जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और आप ये लुक जो है ना आप अपने किसी भी बर्थडे पे शादी पार्टी में आप करोगे तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और अब तो वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स, तो आप ये लुक करिएगा डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। चलिए पूरे बालों को मैं कर्ल कर लेती हूँ। ये देखिए ये रहे मेरा अगला। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। हमें तो लगा अब तक बन गया हो। ये सब क्या है? मेरे सारे हेयर कर्ल हो चुके हैं।
तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कर्ल हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने कर्ल किया पेंसिल से, प्रिटी मेरे हेयर हैं, और आप देख रहे हो कर्ल कितने बारीक हुए हैं। तो आप पेंसिल से अगर आप किसी और की हेल्प से अपने हेयर कर्ल करवाते हैं तो फ्रेंड्स ये जो लुक है ना और भी अच्छा आएगा। बस अब आप क्या करिए कि इसमें हेयर स्प्रे डाल लीजिए और आपके हेयर और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे, और आप रेडी हो फ्रेंड्स किसी भी शादी और पार्टी में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और आपको मेरा पेंसिल से हेयर कर्ल करने का ट्रिक कैसा लगा आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।